गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा। टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, आज के वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को कैसे दूर कर सकते हो। मुझे भी ओपन पोर्स का प्रॉब्लम था, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्ने होना, पिंपल होना, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती थी। पर अभी कुछ हद तक ये प्रॉब्लम दूर हो गई है। मुझे कुछ लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि कैसे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करें, तो मैंने सोचा एक वीडियो मुझे बनाना चाहिए कि मैंने कैसे अपने ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर किया। ओपन पोर्स क्या होता है? हमारे चेहरे पे पोर्स तो होते ही हैं, पर कुछ रीज़न से कुछ लोगों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, जिसको ओपन पोर्स कहते हैं। इससे क्या होता है, या तो आपके पोर्स क्लॉग्ड हो जाते हैं या फिर हद से ज़्यादा सीबम का प्रोडक्शन होता है। दोनों ही केसेस में पिंपल, एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जैसी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं। स्पेशली ऑयली स्किन वालों को ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके होने के क्या क्या कारण हैं? अगर आप ये सन एक्सपोजर के कारण हो सकता है, कुछ लोगों को जेनेटिक होता है, स्मोकिंग करने से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से और हाइजीन मेंटेन ना करना, हद से ज़्यादा जिन लोगों को स्वेटिंग होती है फेस पे, उनके फेस पे ओपन पोर्स का प्रॉब्लम हो जाता है। या फिर कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्टीम लेते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्क्रब करते हैं। ये सारे रीज़न्स हैं जिसके कारण कि फेस पे ओपन पोर्स हो जाते हैं। मेकअप कुछ लोग बहुत ज़्यादा थोप के रखते हैं, उनको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छे से स्किन केयर नहीं करोगे, उनको ओपन पोर्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये सारे कुछ रीज़न्स हैं जिनके कारण ओपन पोर्स हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं इस ओपन पोर्स की प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो मैंने बहुत कई जगह मैंने देखा था कि अगर आप रेटिनॉल यूज़ करते हो तो आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। मैंने भी बहुत सारे क्रीम्स वगैरह ये सब ट्राई किया, पर मेरी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई। फिर मैंने सोचा कि घर की चीज़ें ही ट्राई करती हूँ, और क्या पता घर की चीज़ें ट्राई करने से शायद से ओपन पोर्स की प्रॉब्लम दूर हो जाए। तो अगर आप सब कुछ ट्राई कर चुके हो, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम दूर नहीं होती है, तो सबसे पहले तो टोनर यूज़ करना शुरू करो। जो लोग टोनर यूज़ नहीं करते हैं, उनको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। जब से मैंने टोनर यूज़ करना शुरू किया, मुझे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम मेरी काफ़ी हद तक दूर हो गई। आपको जो भी टोनर सूट करता है आप वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एप्पल साइडर विनेगर का घर पर टोनर बना के यूज़ कर लो। मैं ऑलरेडी वीडियोज़ कर चुकी हूँ इस पर, टोनर के ऊपर घर पर बना के कैसे बनाएं, और बनाना बहुत ज़्यादा आसान है यार। ग्रीन टी जैसे बनाते हो वैसे ही बनानी है, और जब पानी ठंडा हो जाए तो स्प्रे बॉटल में भर लो। ऐसे ही एप्पल साइडर विनेगर का क्या करना है, आपको पानी में थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर डाइल्यूट कर लो और उसको स्किन पे अच्छे से स्प्रे कर लो। जब ड्राई हो जाए तो फिर आप अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह जो भी कुछ लगाते हो आप वो लगा सकते हो। तो ये ट्राई ज़रूर करके देखना, एक दिन में, दो दिन में ऐसा नहीं होगा, महीने भर तक जब करोगे तब आपको डिफरेंस नज़र आएगा। जो तरीका है वो है फेस पे आइसिंग करने का। ये भी बड़ा इजी है, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है। घर में बर्फ़ी जमानी है बस। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी कि ठंड है कैसे करें, पर एक आइस क्यूब ही आपको अपने फेस पे जेंटली रब करना है, घिस घिस के नहीं करना है, बहुत जेंटली रब करना है। इसके बाद आप मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा के अपने फेस पे लगा लो। मुल्तानी मिट्टी का पैक, आप कोई भी अच्छी सी क्वालिटी का मुल्तानी मिट्टी ले लो, उसमें वाटर मिक्स करके अपने फेस पे लगा लो। 10-15 मिनट बाद जब ये सूख जाए तो वॉश कर लीजिए। वाटर में मिक्स नहीं करना चाहते तो रोज़ वाटर ले लो, पर मैं तो कहूँगी वाटर मिक्स करके लगा लो, क्योंकि मैं हमेशा वाटर में मिक्स करके ही लगाती हूँ। तो आपको आइसिंग करनी है, आइसिंग हो जाए इसके बाद मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा लेना है, और अपने 5-10 मिनट बाद उसको धो दो, फिर मॉइस्चराइज़र आप अपने स्किन पे लगा लीजिए। अपनी स्किन को कभी खाली मत छोड़ो, ये नहीं कि फेस वॉश कर लिया और छोड़ दिया। हमेशा मॉइस्चराइज़र लगा के अपने फेस को पैक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आइस होती है वो क्या करती है, आपके पोर्स को श्रिंक करने का काम करती है। ऐसे ही जो मुल्तानी मिट्टी होती है ना, वो ऑयल को पूरा एब्जॉर्ब करके आपके पोर्स को श्रिंक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये आप करके देखना, 10 से 15 दिन में आपको थोड़े थोड़े रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। 10-15 दिन तक करो, फिर थोड़े दिन का गैप लेके फिर करो, उतने में आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। मैंने तो ऐसे ही ठीक की, आपके केस में शायद काम कर जाए, पर घर में ही करना है, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, तो आप बिल्कुल इसको ट्राई करके देखना। जो तरीका है वो है एग वाइट। आप अपने फेस पे अगर एग वाइट लगाते हो
सिर्फ वाइट पार्ट ही यूज़ करना है, उसको फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, वो भी बहुत अच्छे से आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेगा। एवरीडे लगाना मुश्किल है, पर आप वीक में एक से दो बार एग वाइट लगाते हो तो उससे भी आपकी प्रॉब्लम जो है ओपन पोर्स की काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। इससे तो बहुत सारी रेमिडीज़ हैं और क्रीम्स वगैरह आती हैं जिससे ओपन पोर्स की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, पर ये जो आइस वाला है, मुल्तानी मिट्टी वाला जो चीज़ है, उससे उसको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया, मैंने खुद अपने पे ट्राई किया और मैं आपको बता रही हूँ उससे सच में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल आप करके देखो, ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं है, कहीं जाना नहीं है, कुछ भी नहीं, घर पे ये जो चीज़ें हैं उनसे आपको अपने फेस पे लगाना है और अपनी प्रॉब्लम को दूर करना है। तो बिल्कुल आप इसको ट्राई करके देखना, रिज़ल्ट जैसे भी मिले मुझे ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे रिजल्ट्स मिले। और वीडियो अगर पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, किसी को अगर ज़रूरत हो मेरे, मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उनकी किसी को अगर ज़रूरत है आप उनसे अगर शेयर करेंगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, तो बिल्कुल शेयर भी किया करो। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।